Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्लोब। एक बार फिर आपके साथ हाजिर है समीर और रमजान कैमरे के साथ। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें और खैरियत से रहें। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ दो से तीन चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, आप लोगों ने जो मेरी इस थंबनेल पे देखी कि PSET और JSET में जो पास कैंडिडेट हैं, क्या उन सबको जो है वो जॉब्स मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। काफ़ी सारे दोस्तों को इस सवाल का पता भी है लेकिन वो फिर भी कंफ्यूज हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं तो आपकी कन्फ्यूजन में इस वीडियो में दूर कर दूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है पता चल जाएगा कि PSET और JSET में जो पास कैंडिडेट हैं उनको जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करता चलूँ। काफ़ी सारे दोस्तों को पता भी होगी, अगर किसी को पता नहीं तो मैं दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है टेक्निकल समीला के नाम से। ठीक है, तो इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें शेयर करूंगा वो मैं आपके साथ जो है बाद में शेयर कर दूंगा। सबसे पहले जिस हिसाब से आप इस वीडियो पे आए हैं तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो चीज़ ये है कि PSET और JSET में जो कैंडिडेट पास हुए हैं क्या उनको जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे। मेरी वेबसाइट पे मैंने एक जो है वो पोस्ट की थी, PSET JSET न्यू वैकेंसी पोजीशन अपडेटेड लिस्ट नवंबर 2021 इन PDF। तो इस लिस्ट को आप ओपन करें और ये लिस्ट में आपको जो है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर दिया डाउनलोड करके, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं एक जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बदीन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। बदीन में जो है अपडेटेड ये लिस्ट थी जो है फरवरी 2021 में जो वैकेंसीज थी वो 1166 थी, लेकिन जो नवंबर 2021 में वैकेंसीज थी वो 262 थी। ठीक है, तो ये PSET की थी। उसके बाद जो JSET की थी वो फरवरी 2021 में जो पोस्ट थी वो 577 थी और जो करंट थी नवंबर 2021 में वो 543 थी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट की थी बदीन की। तो उसमें कितने तालका हैं आप उस हिसाब से जो है उसको डिवाइड कर लीजिएगा। अब इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखें, अभी JSET की जो पोस्टेस हैं वो तो तालका लेवल पे होंगी। ठीक है, तो इन लोगों ने ये रिटर्न में नहीं दिया है लेकिन तालका लेवल पे ही करेंगे। और जो PSET की पोस्टेस हैं वो होंगी UC वाइज। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई किसी तालका में अगर वैकेंसीज हैं 100 और कैंडिडेट वहाँ पे पास हुए हैं 120, तो अंडरस्टूड है भाई कि जो टॉप 100 होंगे यानी कि नंबर वाइज, तो जो लास्ट वाले 20 होंगे उनको जो है वो फिलहाल वेटिंग में रखेंगे। लेकिन अगर किसी तालका में जो है वैकेंसीज हैं 100 और कैंडिडेट पास हुए हैं 80, तो डेफिनेटली उन सबको जॉब मिलेंगी क्योंकि 20 तो अभी जो है वो वहाँ पे सीट्स बच रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ का जो है क्लियर हो गया। तो ऐसे ही PSET में भी ऐसे ही होगा। अच्छा, PSET में मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करता चलूँ। ठीक है, तो इसमें मैं आपको डरा नहीं रहा बल्कि मैं आप जो चीज़ है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, PSET में देखें, इन लोगों ने कहा था कि अगर किसी UC में जो है वो सीट नहीं होगी तो साइड वाली UC में एडजस्ट करेंगे, लेकिन जस्ट इन्होंने वर्बली कहा था क्योंकि इनकी जो वर्बली चीज़ें होती हैं तो उन पे यकीन करना तो मेरे हिसाब से कि मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी गर्ल्स को जो है वो 40 का आसरा दे दिया था, उसके बाद जो है वो उन लोगों ने 50 पे उनको पास किया था। तो अभी देखें, अगर UC में अगर किसी की सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल 15 सीट है किसी की UC में और वहाँ पे कैंडिडेट 17 पास हुए हैं PSET के हिसाब से, तो 15 को डेफिनेटली सीट मिलेंगी और 2 को वेटिंग में रखेंगे, यानी कि उनको देंगे लेकिन वेटिंग में रखेंगे। और उसके बाद अगर किसी की UC में 15 सीट्स हैं और वहाँ पे कैंडिडेट जो है वो 12 पास हुए हैं, तो डेफिनेटली उन 12 को जॉब्स मिलेंगी, 3 सीट्स वहाँ पे वैकेंट होंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मैं अपने दूसरे चैनल के हिसाब से आप लोगों के साथ बात कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरा नया चैनल है, माई सेकेंड चैनल टेक्निकल समीला के नाम से। और इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको जो है वो बेल आइकन को भी जो है ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और ऐसा करने से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और फ़ायदा कौन सा होगा और ये चैनल मैंने किस हिसाब से बनाया है, ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि भाई आप लोग इस चैनल से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैंने जो लोगो बनाया है ये कैसे बनाया है, और ये जो मैं स्क्रीन अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ लैपटॉप पे, तो ये कैसे कर रहा हूँ विदाउट वाटरमार्क, यानी कि एक सॉफ्टवेयर का यहाँ पे जो है वो नाम भी नहीं आ रहा, तो ये कैसे होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको जो है यूज़ करना होगा, और जो है वो वीडियो की एडिटिंग कैसे होगी, वीडियो की एडिटिंग जो है क्या हमें जो है वो लैपटॉप पे करनी पड़ेगी, कंप्यूटर पे करनी पड़ेगी, या फिर हम मोबाइल से ही कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और चैनल स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी पहले, तो ये इस हिसाब से मेरा चैनल है। इस चैनल को आप विज़िट कर लें। फिलहाल इसमें मैंने 3 वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर दी हैं और वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी वीडियोज़ हैं। एक तो वीडियो मैंने ये अपलोड कर दी है, ये देखें, ये अपनी ओरिजिनल पिक्चर से मैंने कार्टून की पिक्चर बनाई है। ठीक है, और दूसरी जो है वो ये गूगल का अमेजिंग फीचर है। एक अगर आपके पास किसी जगह की तस्वीर है, किसी
एक्ट्रेस की या एक्टर की तस्वीर है, किसी भी फेमस पर्सनालिटी की तस्वीर हो, आपको उसका नाम नहीं आ रहा, तो इस फीचर के जरिए आप उसका नाम भी जो है फाइंड कर लेंगे। और तीसरी जो है वो एक एंड्रॉयड की हिडन एंड्रॉयड का एक हिडन फीचर है कि आप जस्ट बोलेंगे और आपका जो है वो नाम या फिर जो भी आप बोलते जाएंगे वो टाइप होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि आजकल के ज़माने में लिखना जो है वो थोड़ा मुश्किल लगता है सबको, अगर कोई लंबा मैसेज है तो आप शॉर्टली जस्ट बोलते जाएंगे आपका जो है वो मैसेज टाइप होता जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इस चैनल पे जो है तीन सिर्फ वीडियो अपलोड किए हैं, और उसकी वजह यह है कि आप लोग जैसे ही इसको सब्सक्राइब करेंगे, जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह मैं कोर्स यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब चैनल के हवाले से। वैसे तो यूट्यूब चैनल के हवाले से टेक्निकल चैनल्स जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन हर किसी का जो है अपना अंदाज होता है। अगर आप लोगों को जो है वो मेरा अंदाज, मेरा समझाने का अंदाज समझ में आता है, तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो इस चैनल से बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।